हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन स्टडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बैंक के सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में, और मैं शेयर करूंगा अपना जेके बैंक पीओ प्री का स्कोर कार्ड जो कि लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा आज। एंड हाँ, अगर आपका कोई भी डाउट है तो ये हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के हैंडल्स हैं, आप हमें यहाँ से कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। हम पांचों टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। बेसिकली जेके बैंक पीयू की स्टेज वन या फिर जो प्री एग्जाम है उसका पैटर्न और जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट का सिलेबस सेम है, कोई फर्क नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं अवेयर कर देता हूँ कि जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट सिर्फ एक वन स्टेज एग्जाम है। इसका मतलब आपको सिर्फ एक ही एग्जाम देना है और आप अगर उसे क्लियर करते हैं तो जेके बैंक में आप बैंकिंग एसोसिएट की जॉब ले पाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको तीन सब्जेक्ट तैयार करने हैं, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर जिसे हम मैथ्स कहते हैं, और आखिर में रीजनिंग। और ये सब हम आपको फ्री में करवा रहे हैं, एक भी रुपी चार्ज नहीं कर रहे हैं इसके लिए। हमारा मकसद ही ये है कि हर एक उस बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाई जाए जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता। और जो लोग स्पेसिफिकली जेके बैंक पीओ को एम कर रहे हैं उनके लिए मैं आप स्टेज टू की बात करूंगा। आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि जेके बैंक पीओ जो है वो टोटल तीन स्टेज का एग्जाम है, जबकि जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट सिर्फ एक स्टेज का एग्जाम है। ठीक है, पीओ में आपको प्री भी देना है, मेंस भी देना है, उसके बाद इंटरव्यू भी देना है, जबकि बीए में बैंकिंग एसोसिएट में सिर्फ आपको प्री ही देना है। और प्री के दम पे अगर आप उसे क्लियर करते हैं तो आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जेके बैंक पीओ की स्टेज टू के बारे में। तो वही जो तीन सब्जेक्ट्स हम आपको करवा रहे हैं प्री के लिए, वही आपने मेंस में भी तैयार करने हैं। बस एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स, जिसकी तैयारी भी हम आपको करवाएंगे। और फिर लास्ट स्टेज में आता है इंटरव्यू, उसकी भी गाइडेंस पूरी मिलेगी यहाँ से। यहाँ जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं सारे बहुत एक्सपीरियंस हैं, लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है सिलेबस कवर करना। तो मैं अब आपको ओवरव्यू देता हूँ कि हम सिलेबस कैसे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ का सेक्शन, जिसमें मेजॉरिटी बच्चों को दिक्कत है। टोटल 35 मार्क्स का ये सेक्शन होता है और ये गेम चेंजर सेक्शन होता है। हम टोटल तीन टीचर्स आपको ये कंप्लीट करवाएंगे। नितिन सर ने परसेंटेज पूरा करवा दिया है, वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन करवा रहे हैं। विशाल सर अभी नंबर सीरीज करवा रहे हैं और मैं खुद आपको डाटा इंटरप्रिटेशन करवा रहा हूँ, जिसमें मैं फिलहाल पाई चार्ट करवा रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो नेचुरली हमने और टॉपिक्स भी कवर करवा दिए होंगे। ये वीडियो मैं 11th जून को बना रहा हूँ। हम सब ने अपनी अपनी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, अगर आप सीधा प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन के बारे में। तो रीजनिंग सेक्शन श्रद्धा मैम एंड गोमिनी मैम करवा रहे हैं आपको। श्रद्धा मैम ने सिलॉग्रिज्म खत्म करवा दिया है और अब वो मशीन इनपुट आउटपुट करवा रहे हैं, जबकि गोमिनी मैम आपको इन इक्वालिटीज करवा रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो मैं 11th जून को बना रहा हूँ, मैं आपको बार बार ये रिपीट करवा रहा हूँ, क्योंकि बाद में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमने और भी टॉपिक्स कवर कर दिए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं मेरे जेके बैंक पीओ प्री के स्कोर कार्ड को जो कि लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था। तो लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था उसमें मेरे 74.75 मार्क्स थे, कट ऑफ जम्मू का 63 गया था। एंड ये 63 कट ऑफ जो था, इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। बेसिकली मेरा यहाँ पे स्कोर कार्ड शेयर करने का एम सिर्फ इतना है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं। आप में से बहुत लोगों के मार्क्स मुझसे ज़्यादा हो सकते हैं, मुझसे कम हो सकते हैं, एंड मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली हम पांच टीचर्स का एम सिर्फ इतना है कि हर एक बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा सके। आप जो कमेंट करते हैं उनको पढ़ के हमें बहुत खुशी मिलती है, एंड आप ऐसे ही हमें ब्लेसिंग्स देते रहिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, हम उसको ज़रूर एंटरटेन करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।